शुक्रिया अपराध साहब, शाहरुख बहुत अच्छी बुनियाद रखी और आपने बहुत बढ़िया अपने लिए जितनी भी बॉल्स ओपनर के लिए होती है ना लिमिटेड को यूज करी और बहुत अच्छी बुनियाद रखी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा शेरी सफर का आगाज इस स्टेज इस जामिया से हुआ था 2016 में। क्या फर्क इतना है कि मैंने बावर्ती शेर पढ़े थे और उसकी सदारत जन्नत मदानी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कर रहे थे, मेरे लिए फख्र की बात है। और जब मैं शेर अपने पढ़कर सुनाकर जा चुका तो उन्होंने अपनी दफा आने पर मुझे इस गांव से नवाजा था कि जब कोई पुलिस वाला शेर या शेर शायरी करता है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है कि जैसे शैतान कुरान शरीफ पढ़ कर रहा है। और मुझे फख्र है कि मेरा फिर यहाँ इम्तहान है, काशिफ साहब ने मुझे सेकंड वन डाउन पर उतारा है। मुझे पता नहीं उनकी डिप्लोमेसी है या क्या इस मुशायरे की किस्मत है कि मैं कहाँ से कहाँ ले जाऊँ और कहाँ से कहाँ ले जाऊँ। इस मुशायरे के मेयार में मुझे इजाफा करना था, अभी लिहाजा मैंने आपका इंतजार किया। मेरा राहत साहब के लिए दुआएं मगफिरत कीजिएगा और एक शेर राहत साहब का, सैयद साहब के, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान। और दूसरे वक्त की बात यह है कि जब हमने अपनी आंख खोली आप जैसे उम्र में आए 1500 साल की उनकी, जब शेरो शायरी से रगबत हुई तो हमारे दौर में जो इस मुशायरे के सदर हैं जनाब इनायती साहब, नहीं आपकी हालत होगी ऐसी जब आप यहाँ होंगे और आपके सामने 30-40 साल पहले वाले उस्ताद आपके साथ बैठे होंगे कि जिन्होंने इन्हें तमसीनी में यह मतलब सिखाया कि जुगनुओं को कैसे छुपाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। मैं आपकी इजाजत सर आपका शेर कोट करना चाहता हूं कि गुड़िया जवान क्या हुई मेरे पड़ोस की, गुड़िया जवान क्या हुई मेरे पड़ोस की, आंचल में अपनी जुगनुओं को छुपाता नहीं कोई, क्या हादसा हुआ है बताता नहीं कोई, हक उसके अपने हाथ का आता नहीं कोई। नंबर 3 जनाब पॉपुलर मेरिटी साहब, जानते हैं ना सब आप, तंजो मिजा के नंबर 1 शायर इंटरनेशनल टाइम। नंबर 3 मेरी सदार जो अपने नायब सदर हैं अपने उर्दू एकेडमी के जनाब प्रोफेसर शहबाज रसूल साहब, इसी मुशायरों में मैं शामिल के तौर पर बैठा था और शायद अजहर अकबाल साहब आपको याद हो कॉमर्स डिपार्टमेंट का मुशायरा था, तो यहाँ मोहब्बत से मेरा नाम आपके पुराने डॉक्टर साहब सज्जाद साहब ने लिया कि भाई ये भी शेर पढ़ते हैं, वो भी मेरे ख्याल में 2016 या 2017 था। तो उनके दखल पर डॉक्टर रहमान मुसव्वर साहब ने मुझसे भी कहा कुछ पढ़ो और मेरा एक शेर जो अनजाने को हुआ था कि तमाम रात दरे में कदर खुला रखना सुना है तहज्जुद गुजारा है, उसे शेहबर साहब ने बड़ा अंडरलाइन किया, मुझे दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया तो मुझे समझा समझ में आया कि मैं भी कुछ कह सकता हूँ। बहरहाल मेरे लिए बड़े शर्फ का मुकाम है और मैं दिल्ली उर्दू अकादमी के कारकुनान का बड़ा मशहूर हूँ, मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि इस माल में सदे के मुशायरे मुझे शामिल किया, बहुत शुक्रिया। और इस अपने तशक्कुर के शेर के साथ मैं अपना आगाज करता हूँ कि ये क्या कम है दिले नाला किसी की रू नुमाई को, ये आपका जो सबूत है ये मेरे लिए जामिन है कि मुझे सुना जा रहा है कि ये क्या कम है दिले नाला किसी की रू नुमाई को कि इस बेजोक के चर्चे सभी वाजों करते हैं, इस बेजोक के चर्चे सभी वाजों करते हैं। सर साहब आपकी इजाजत से अपनी शुआ करता हूं कि गमों को चेहरे पे मलने के बाद आई है, गमों को चेहरे पे मलने के बाद आई है, गमों को चेहरे पे मलने के बाद आई है, कशिश तो उम्र के ढलने के बाद आई है, कशिश तो उम्र के ढलने के बाद आई है और कुछ उनके चेहरे पर रौनक तो आई है, लेकिन विनोद साहब कुछ उनके चेहरे पर रौनक तो आई है लेकिन हमारी जान निकलने के बाद आई है,
हमारी जान निकलने के बाद आई है और वो बच्चे जो लड़खड़ाने पर मेरे थोड़े से खुश हो रहे थे उनकी नजरें कुछ उनके चेहरे पर रौनक तो आई है लेकिन हमारी जान निकलने के बाद आई है। उसके लिए हुआ कि कदम संभाल के रखने की ये जो खू है मेरी हजार बार फिसलने के बाद आई है और सुना है उसने भी मुझको कहा था दोस्त मगर आदि साहब हमारे शायर है वायरल जिनको नहीं पता उनके बारे में मेरा मोहब्बत यह है साहब जो है शायर आदमी शायर है वायरल है कि सुना है उसने भी मुझको कहा था दोस्त मगर खबर बयान बदलने के बाद आई है। और काशी साहब याद हो तो मैं एक तो और सुनाना चाहता हूँ। सर आपने कह दिया आप पुलिस से डिपार्टमेंट का ताल्लुक है। मैंने सर वो तो मुझे पता होता कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपको अजर साहब अजर नहीं थी बात पड़ा। और ये गजल के चरण चशार बिना मतले के अर्ज क्या है कि हमारा इश्क करामत से कम नहीं जाना तुम्हारे हुस्न पे इससे निखार आएगा। और अगर मैं तुमसे तुम्हारी तरह करूं वादे तुम ही बताओ तुम्हें ऐतवार आएगा तमाम रात दरे में कदा खुला रखना सुना है कोई तहज्जुद गुजारा। और अगर इसको बिजनौर में कहें बिजनौरी में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि तमाम रात दरे में कदा खुला रखियो बिजनौर वाले यहाँ कि तमाम रात दरे में कदा खुला रखियो सुना है कोई तहज्जुद गुजार आएगा। और इसी बिजनौरियत की मोहब्बत के हवाले शेयर करना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि इस चांद को मैं देख के बेसाख्ता बोला बाकी है मुलाकात की उम्मीद मुबारक। और असातिज़ा से तवज्जो की जरूरत है सर। इस चांद को मैं देख के बेसाख्ता बोला बाकी है मुलाकात की उम्मीद मुबारक। हर बात में शिद्दत है मोहब्बत में वफा में हर लफ्ज में बिजनौर में तशदीद मुबारक मैं हिंसा नंबर चार देख रहा हूँ किधर है। गजल से छोटी गजल छोटे पैर की मतलब यूं आ है कि आई ना हो के आई ना ना हुआ अमन साहब उसका वादा कभी वफा ना हुआ और हर नजर में है वसल की चाह आईना हो के आईना ना हुआ उसका वादा कभी वफा ना हुआ और हर नजर में है वसल की चाह इश्क में कोई पारसा ना हुआ और लाख दावे किए खुदाई के एक फिर ऑन भी खुदा ना हुआ बस एक वो लाइन कहाँ तक बैठती है जहाँ तक हमारे जो एकेडमी के लोग हैं वो जहाँ तक आपको बैठने के लिए कह रहे हैं वहीं तक बैठा जाए बस आगे मत बढ़िएगा कुछ सिस्टम रखे हुए उसमें बदनज़र हो जाएगी सुकून से बैठ जाए जी बहुत शुक्रिया जी फरूख जी फरूख अर्ज क्या है ये भाई जान बैठ जाइए आप भी बैठ जाइए ताकि पीछे वाले भी बैठ जाए प्लीज बहुत ये मेरी ये गजल है चार शेर है इसके बाद आपके सहमत है तमाम कि मतला यूं आ है मतला अबरे सिया पौजे पुजा चांदनी गजल ये गजल की क्या तरकीब होती है अबरे सिया पौजे पुजा चांदनी गजल हर मंजर हयात में ढल दी रही गजल अबरे सिया पौजे पुजा चांदनी गजल हर मंजर हयात में ढल दी रही गजल और हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई हर शे हुजूर हुस्न में नाकाम हो गई
ओपन खड़ी गुलाब की या पीर के गजल, बहुत अच्छा, ओपन खड़ी गुलाब की या पीर के गजल। और शेर का जरा तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी मेहनत लगी है इसका, कि वो औरतें कि जिनको सहीफे दिए गए, वो और थे कि जिनको सहीफे दिए गए, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गजल, हम जैसे अहले दिल पे उतारी गई गजल, और पढ़ते रहे सुहे बड़ी आनमान से, पढ़ते रहे सुहे बड़ी आनमान से, हम रोज महफिलों में चुराई हुई गजल, हम रोज महफिलों में चुराई हुई गजल। बहुत अच्छा।